So hey guys, what up everybody? It's your boy Danny Z and back again with the new vlog, baby. So alright guys, so welcome back to the channel. And जैसे तुम लोगों को पता है, इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि दानिश के बर्थडे पे हम लोग क्या इवेंट प्लान करने वाले हैं. आई मीन मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोगों को बताया था, दो ऑप्शंस दिए थे जिसपे मैंने तुम लोगों को बोला था सजेस्ट करो. काफी ज्यादा लोगों ने मुझे सजेस्ट भी करके बताया कि मतलब मैक्सिमम सजेशन यही थे कि मदद करो गरीबों की, मतलब भूखों को खाना खिलाओ एंड ऑल. तो मैंने बहुत सोचा, दोनों ही वैसे हम लोगों के दोनों जो प्लान्स थे उसमें लोगों को खाना खिलाना ही था. एक था हम लोगों का टाटा कैंसर हॉस्पिटल का, दूसरा था हम लोगों यहाँ पे बच्चे लोगों के साथ. तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल को मैंने ऑप्शन में इसके लिए रखा था बिकॉज मुझे पता नहीं कि वहाँ पे अभी बिकॉज ऑफ कोविड तुम लोगों को पता है कितने सारे इश्यूज चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है. तो मुझे पता नहीं है कि हॉस्पिटल में हम लोगों को करने देंगे नहीं देंगे. उसके लिए अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं. अगर इन केस ऐसा कुछ होता है कि हॉस्पिटल में हम लोगों को इवेंट करने नहीं मिल रहा है या टाइमिंग नहीं मिल रहा है या कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से अगर हम लोग नहीं कर पा रहे, सो वी विल गो विथ ऑप्शन टू. बट पहला हम लोगों का यही सोचना है कि इस बार हम लोग जाएंगे टाटा कैंसर हॉस्पिटल बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो आते हैं यहाँ वहाँ से दूर दूर से अपनी फैमिली के साथ. सो लेट्स गिव देम अ गुड टाइम. हम लोग ट्राई तो यही करेंगे. एनी वे फिलहाल चलते हैं, देखते हैं जो भी होगा तुम लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा. सो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. ओके गाइस, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे बात हो चुकी है बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग गलत दिन पे आए. हम लोग आए संडे वाले दिन. सो हम लोगों को आना पड़ेगा कल बिकॉज पी आर ऑफिस कल खुला रहेगा. वहाँ पे एप्लीकेशन लेटर देना पड़ेगा, उसके बाद लोग परमिशन देंगे. तो कल तू आएगा भाई लेटर लेकर. प्रोसेस लंबा है, मैंने बोला ना तुम लोगों को. इसके लिए मैं अभी कोई श्योर कन्फर्मेशन, मतलब इस वीडियो के एंड तक तुम लोगों को कन्फर्मेशन मिल जाएगा क्या है क्या नहीं है, परमिशन मिली नहीं मिली एक्स वाई जेड. ठीक है मास भाई, बकल अप, लेट्स सी क्या होता है. द नेक्स्ट डे मॉर्निंग आयरन मैन. बहुत ज़्यादा ख़राब है, एग्जॉस्ट हो गया पूरा. रोज़ी होता हूँ आज ज़्यादा हो गया. ए तू मैट मत ले गया, सर ने बोला तेरे को स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगा ना सर इसको. एक दो सेट मारा तेरे को स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगा. चल हट हट. कितना ही मस्का लगा नहीं मिलने वाला है. मस्का नहीं लगा रहा है. चालू करो सर, चालू करो. Until I fall. So, well, he. Okay, guys. So meals and everything is done, and अभी मैं जा रहा हूँ वाशी फ्रूट मार्केट जस्ट बिकॉज फ्रूट मार्केट में हम लोगों को देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन डे वाले दिन हम लोगों को जो फ्रूट्स लेने हैं वो क्या प्राइस में मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है थ्रू रिटेलर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मास भी गया था मॉर्निंग में टाटा हॉस्पिटल जो पी आर ऑफिस में जाके एप्लीकेशन देना था, उसने एप्लीकेशन दिया तो उन लोगों ने बोला कि अभी हम लोग आपको कुछ देर बाद या मे बी कल मॉर्निंग तक हम लोग आपको कन्फर्मेशन मैसेज पे या मेल पे दोनों उन्होंने लिया है तो उस पर भेजेंगे. बट फिलहाल चलते हैं. सो वाशी मार्केट में हम लोगों का एक काम हो चुका है सेब का, मतलब एप्पल्स का. अब बाकी अपना संतरे वाला काम, संतरे वाले का देखते हैं. अंकल ये संतरे की पेटी कैसी है? हाँ ये संतरे की पेटी कैसी है? पेटी पेटी की खिल क्या है. सो ऑलमोस्ट डन, यहाँ से भी हम लोग निकल रहे हैं. फलक जिसकी आप लोगों ने देखी थोड़ी बहुत झलक, अभी चलते हैं. एंड अभी तक कोई परमिशन आई नहीं है मतलब टाटा हॉस्पिटल से, पर जैसी आएगी मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा गाइस. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग. ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एंड द वेट इज ओवर. जिस चीज़ का हम लोगों को इंतजार था, वैसे तो उन लोगों ने सामने से कॉन्टैक्ट नहीं किया बट
मैंने सोचा कि क्यों ना कॉल करके पीआर ऑफिस में कनेक्ट किया जाए। कनेक्ट करने के बाद वहाँ से पता चला कि हाँ, आप लोगों को परमिशन ग्रांट कर दी गई है, बट यू गाइज कैन जस्ट कम टू द हेल्प सेंटर, वहाँ पर आके आपका गुड्स रख दो, हम लोग खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं हजम नहीं हुई, बिकॉज लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो हम लोगों ने देखा थोड़ा सा स्टाफ था, मतलब कि यार हम लोग भी थोड़ा सा रख दो, हम लोग भी थोड़ा सा रख दो। तो ठीक है, वो तो एक ह्यूमन नेचर है, हम लोग भी ऐसा कभी कभी करते हैं खुद के बेनिफिट्स के लिए, खुद को हर एक बंदे को चाहिए रहता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट कहीं ना कहीं जब उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे तो वो मज़ा नहीं आएगा और वो फील नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि फिर इसको इस वे में नहीं करते हुए हम लोग एक काम करते हैं कि जहाँ पे दानिशी कब्र है, कुरला कसाईवाड़ा कब्रिस्तान के पास, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं। आई एम श्योर तुम लोग भी जब जाते होंगे वहाँ पे तो तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हमेशा पानी डालते रहते हैं, अगरबत्ती लगाते रहते हैं, दानिशी कब्र को साफ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो लोग करते ही रहते हैं। फिर बड़ी रात आएगी तो बड़ी रात पे वो लोग दानिशी कब्र को सजाते हैं, वो जो भी होता है चूना ऊना लगा के बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इससे पहले भी मैं उन लोग से दो तीन बार मिला हूँ, तो उस बार भाई मुझे टी शर्ट दे दो, भाई मुझे ये दे दो, वो दे दो, तुम्हारे पास मोबाइल है क्या, ऐसा ऐसा वो लोग करते रहते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि हाँ, इन लोगों के कुछ ना कुछ करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक बार डिस्ट्रीब्यूशन किया भी था कब्रिस्तान के पास, शायद तुम लोगों को याद होगा। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार चलो ठीक है, जब टाटा का नहीं हो पा रहा, जस्ट बिकॉज वो जो कोविड नॉर्म्स की वजह से लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आपको अलाउ नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम लोग खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वार्ड्स में जाके। तो मैंने सोचा कि वो आइडिया हम लोग ड्रॉप कर देते हैं एंड लेट्स गो नियर कब्रिस्तान, वहाँ पे हम लोग जाके जितना भी हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का सामान है वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ की फैमिलीज में जो भी लोग वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो लेट्स सी, एंड तुम लोगों से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर इफ़ यू गाइज आर कमिंग टू कुरला एंड इफ़ यू गाइज आर कमिंग टू आर प्लेस, प्लीज डोंट ब्रिंग केक्स, बिकॉज तुम लोग जब भी केक्स लेकर आते हो वो यूज में नहीं आता है। सर 10-10, 20-20, 15-15 केक हम लोग यहाँ पर रह जाते हैं, बाद में हम लोग नेक्स्ट डे जाके वॉचमैन को इधर उधर देना पड़ता है। तो रादर देन वेस्टिंग योर मनी इन सच अ वे, मैं तुम लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि केक की जगह पर तुम लोग मेक श्योर करो कि वहाँ पर तुम लोग लेकर आओ बिस्किट्स के पैकेट्स इन ये सारी चीज़ें, बिकॉज ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने में और ज़्यादा काम आएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग आगे मेरे को दो, तुम लोग खुद डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर तुम लोग अपने यहाँ पर भी कहीं कुछ कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को ये बोलूँगा कि रादर देन कटिंग वन केक, तुम लोग मेक श्योर करो कि तुम लोग थोड़ा सा बिस्किट्स ये वो या जो भी तुम लोगों को सही लगता है, या चोकोपाई की कुकीज़ आती है या मोंजिनीस छोटे छोटे पैकेट वाले केक्स आते हैं तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट करो, तो तुम लोगों को ऐसा रहेगा कि सबको मिलेगा। या फिर अगर लास्ट तुम लोग बस केक का ही ऑप्शन है तो केक को भी ऐसे वे में काटो कि तुम लोग उसको पीसेस बना के लोग अच्छे खासे लोगों को दे पाओ, बस यही बोलना चाहता हूँ। बाकी मेरे घर तक केक लाने की जरूरत नहीं है प्लीज़, बिकॉज बहुत ज़्यादा केक्स हो जाते हैं, वो सच में वेस्ट हो जाता है एंड दैट इज़ दी वर्स्ट पार्ट, एंड बस इतना ही बोलूँगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइमिंग है 3 PM to 5 PM कल, ओके 3 बजे से लेके 5 बजे तक, मतलब दोपहर में 3 बजे से लेके शाम के 5 बजे, 2 घंटे के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर तुम लोग ऐसा कुछ कर रहे हो, आई मीन केक एंड ऑल, तो थोड़ा सा ध्यान देना। एंड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, फैमिली फॉर एवर, पीस आउट, थैंक यू सो मच फॉर लविंग दानिश, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू हैव फॉर दानिश, ऑल द रिस्पेक्ट यू हैव फॉर दानिश। बस इतना ही बोलूँगा, जहाँ भी होगा खुश होगा, फैमिली फॉर एवर बोल रहा होगा, एंड पीस आउट मैं हाँ बोल रहा हूँ। सारी गाड़ियों की हेडलाइट चालू होती है, बहुत फास्ट फास्ट बहुत अच्छी है। केकड़े ने भी हमारी फैमिली आर्मी में ज्वाइन हो गया, सो वही तो भाई छोटू से केकड़े। Never really dies.
बाहर जाके सुन दाए फोन की दे आउंदे ने फोन की दे आउंदे ने जदों कली बैनी आखे आले सतोंदे ने बाहर जाके सुन दाए फोन की दे आउंदे ने करीना प्लीज ऐसी